सिर पर हाथ रख दिया, लेकिन वो हाथ ठंडा नहीं, ऐसा गर्म था, उसमें से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी और वो ऊर्जा जैसी मेरे मस्तक में प्रवेश की, वो सारा दर्द छूमंतर हो गया। यह बिल्कुल मेरे जीवन की अनुभूत घटना है, इसलिए ऐसे महान वैद्य को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हे भगवान, सबके भाव को आप ही हरण करने वाले सक्षम वैद्य है, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। इसी के साथ बुला रहा हूं ब्रह्मचारी पिंकेश भैया जी, जिनका जन्म हाट पिपलिया में हुआ था, वर्तमान में इंदौर में उनका निवास है। उनका जन्म 1 सितंबर 1985 को हुआ था। उनके पिता श्री पवन जैन, उनकी माता का नाम श्रीमती हेमलता, और इन्होंने शिक्षा बीकॉम की प्राप्त की है और पूज्य गुरुदेव के चरणों में 9 नवंबर 2008 को अपना जीवन समर्पित करके आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण किया था। आपके सामने आ रहे भैया पिंकेश भैया। आचार्य को विनय से उर में बिठा लो, हे पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लो, हे मित्र मोक्ष सबको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है, निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जय बोलो श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, जय बोलो श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिगण नायक शिवपथ मार्गदर्शक आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आध्यात्म योगी परम पूज्य श्रीमय समय सागर जी महाराज की, पूज्य तपस्वी मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी से पर्यंत श्री ओमकार सागर जी महामुनिराज की, नगर गौरव हाट पिपलिया के पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महामुनिराज की। सर्वप्रथम इस पर्याय को जन्म देने वाले उन मात पिता के चरणों में वंदन कर उनसे मन वचन काय से क्षमा याचना करता हूँ। मेरे द्वारा अगर किसी भी कार्य से आपके मन को दुख पहुँचा हो, कष्ट हुआ हो, तो इस अबोध बालक को क्षमा प्रदान करें, और मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों के प्रति क्षमा धारण करता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। जब एक शिल्पकार किसी मिट्टी से कलश का निर्माण करना चाहता है, तब वह उस मिट्टी का परीक्षण सर्वप्रथम करता है जिससे उस कलश का निर्माण हो सके। कुंभकार तो इस मिट्टी के पास आया नहीं, मगर यह मिट्टी ही स्वयं उस कुंभकार के चरणों में गई और उनसे निवेदन किया कि हे आचार्य भगवंत, जिस तरह आपने इस संसार में रहकर उस महावैराग्य को जीवित किया है और अपने जीवन को उस तीर्थंकरों के समान व्यतीत करते हुए इस श्रमण परंपरा को जीवित किया है, हम भी उसी परंपरा में आपके चरणों के पीछे पीछे चलना चाहते हैं। तब आचार्य भगवंत ने बहुत बार हमारा निवेदन सुना और फिर उस मिट्टी को एक ऐसे शिल्पकार के हाथों में समर्पित कर दिया
जिसने अपनी तपस्या और अध्यात्म और सिद्धांत से इस जगत में एक अलौकिक संत का दर्जा पाया है, और वह पूज्य मुनिवर आध्यात्म शिरोमणि समय सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे अपने चरण कमल में रखकर उस अध्यात्म सिद्धांत और जैन धर्म आगम की परिभाषाओं से परिभूषित कर आगे बढ़ाया और पुनः हम सभी को लेकर गुरुदेव के चरणों में आ गए कि अब इन सब का अंतिम जो शिखर कलश का निर्माण करना है वह तो आपके हाथों से ही होना है और आपको ही करना है। तो पूज्य मुनिवर श्री ने और समस्त मुनि संघ ने बड़े वात्सल्य के साथ हम सबका पालन किया, जैसे माता पिता अपने बेटों का, अपने बच्चों का करते हैं। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में, समस्त संघ के चरणों में अगर मेरे द्वारा कभी कोई अविनय या कोई गलती हुई हो तो सहृदय मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से उनसे क्षमा याचना करता हूँ। और आचार्य भगवंत गुरुदेव, मुझे वह आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जो जैनेश्वरी दीक्षा, जो श्रमण का प्रथम लिंग है, जिन लिंग यथा जात लिंग है, उस लिंग को प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं भी श्रवण पद से उस श्रामण्यता को प्राप्त करूं, जो सुख और दुख में, जो इष्ट और अनिष्ट में समता का भाव धरकर उस संलेखना मरण पूर्वक मरण कर, पंडित मरण कर, भवांतर में पंडित मरण कर, अपने इस आत्म तत्व को प्राप्त कर निर्वाण पद की प्राप्ति हो। हे आचार्य भगवंत, यही मंगल भावना है। 2 लाइन अंत में आपके चरणों में, और तव पादो मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठतु मुनिन्द्र यावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। हे आचार्य भगवंत, मेरा यह मस्तक सदा आपके इन चरणों में रहे और सदा आपके चरण मेरे हृदय कमल में विराजमान रहे, तब तक जब तक कि मुझे उस निर्वाण पद की प्राप्ति ना हो, उस अनंत सुख की प्राप्ति ना हो, जिस लक्ष्य को लेकर मैं इस संसार रूपी धारा को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा हूँ और इस संसार में तीनों जन्म का नाश करना चाहता हूँ जो इस संसार में जन्म के कारण है। नमोस्तु भगवान, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर मुझ अनगढ़ पत्थर को कृतार्थ करें। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। और ये ललितपुर वासी, आप लोग बहुत देर से ये कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके स्वार्थ की एक बात बताना चाहता हूँ। बताऊं? बोलो तो। ठीक है कि सोचिए, आपके नगर का सौभाग्य, और वह भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया है कि 50वीं दीक्षा वर्ष में जो स्वर्ण जयंती, संयम स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें प्रथम बार यदि पंचकल्याणक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो ललितपुर नगर को प्राप्त हुआ है। और उसमें भी आपका सौभाग्य और बढ़ चढ़कर सुनिए कि अभी तक आचार्य महाराज के द्वारा कई दीक्षा दी गई है, लेकिन पंच कल्याणक महोत्सव में मुनि दीक्षा प्रथम बार ललितपुर में दी जा रही है। 50 साल का इतिहास में पहली बार हुआ है। और आपके जो प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी प्रथम बार ही कोई दीक्षा हो रही है आचार्य गुरुदेव के माध्यम से। इसके पहले मध्य प्रदेश, बिहार जो आजकल झारखंड बन गया है, और उसके बाद महाराष्ट्र, अब उत्तर प्रदेश का नंबर आया जहां दीक्षा दी गई है। यह ललितपुर का सौभाग्य है। थोड़ा सा इस सौभाग्य पर थोड़ा आप अपनी खुशी तो व्यक्त करो। अब इसके साथ ही मैं ब्रह्मचारी आकाश, जिनका उपनाम मीनू भैया है, जो सागर निवासी हैं, जिनका जन्म 13 सितंबर सन 1987 को हुआ था, जिनके पिता सिंगई प्रकाश चंद जी, जिनकी माता का नाम श्रीमती आशा जैन, इन्होंने एमकॉम तक शिक्षा प्राप्त की है, और 5 मई 2007 को
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित करके आजीवन व्रत धारण किया था, वो आपके सामने अब गुरुदेव से निवेदन करेंगे। आकाश भैया, आसार ही नकल की कल को भुलाया, कल्याण की पथिक हो जग को जगाया, आचारी सुंदर दिगम बर रूप धारी, जो आपको निरखता बनता पुजारी, स्याही समुद्र भरयो लिपि सर्व भाषा, पन्ना धरा कलम हो सुर वृक्ष शाखा, माँ शारदा यदि सदा लिखती रहेगी, तो भी कभी न यह पार वह पा सकेगी। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत सरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्य श्री योग सागर जी, प्रसाद सागर जी, प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, समस्त मुनि महाराजों की, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है, और उस वैराग्य को सम्यक दिशा देने का नाम दीक्षा है। आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी के चरणों में एक भक्त पहुंचता है और वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपकी वीतराग मुद्रा को देखकर मन आनंद से भर जाता है, ऐसा लगता है कि आपको जगत की कोई चिंता नहीं है, आप कितने निश्चल हैं, कितने निर्भीक हैं, अकंप हैं, मैं भी आपके समान बनना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तुम श्रामण पद को स्वीकार कर लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम भी निर्भीक और निश्चल बन पाओगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि सा प्रणाम करता हूँ। आचार्य भगवंत इस भौतिक युग में जहाँ विषय भोगों की आंधी चल रही है, वहाँ संयम का दीपक लेके एक प्रकाश स्तंभ की तरह वह प्रकाशित कर रहे हैं, इस बहुत दुर्लभ है। आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी ने मूलाचार, समयसार जैसे महान ग्रंथों को लिखा है, मूलाचार भी लिखा है, पर साक्षात अगर मूलाचार और समय सार की अगर कोई प्रतिकृति छाया करती है तो वो पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। ऐसे परम उपकारी आचार्य गुरुदेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे वीतराग चारित्र की अनुभूति हो, बस इसी भाव लेके मैं आपके चरणों में आया था। और हमारे पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज के बारे में क्या कहें, एक निश्चल साधक जो अध्यात्म की साधना में प्रति क्षण जिनका समय बीतता है, सिद्धांत को जिनने पढ़ा नहीं है अपने जीवन में उतारा है, ऐसे पूज्य महाराज के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। उनके पास भी एक वर्ष रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, महाराज जी ने मुझे बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करवाया, और अध्ययन ही नहीं करवाया, जीवन जीने की कला सिखाई है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कैसे रखे, अगर सीखना है उस माँ को तो पूज्य महाराज जी के चरणों में आके एक बार देख लो कि एक माँ बच्चे को कैसे पालती है, वैसे हमारे महाराज जी ने मुझे पाला है, सिखाया है, और सिखाकर आज इतना योग बना दिया है
कि मैं पद दलित पाषाण को आज भगवत रूप देने जा रहे हैं। आज हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, ऐसे गुरुदेव के चरणों में क्या कहूँ, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, उनके बारे में कहना शब्दों से असंभव है। बस एक ही प्रार्थना करता हूँ, ऐसे माता पिता जिन्होंने जन्म देकर अच्छे संस्कार दिए और आज यहाँ तक लाए, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ में हमारे पूज्य योग सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज, और भी समस्त संघ के साधु महाराज जी, जिनका प्रेम वात्सल्य और समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा, प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज के चरणों में भी रहने का हमें सौभाग्य मिला। बहुत अच्छे निश्चल भाव से बहुत समझा देते थे, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों को रखा है। और ऐसे महाराज के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव मुझे जिन ईश्वरी दीक्षा प्रदान करें, मैं भी उस रत्नत्व की, उस सिद्धात्म तत्व की साधना कर सकूं और मैं भक्त प्रत्याख्यान पूर्वक मरण प्राप्त करके आपके चरणों में सल्लेखना को धारण कर सकूं। पूजाचारी भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। अब अगले क्रम पर खुरई में जन्मे श्री ब्रह्मचारी सतीश भैया जी, जिनका जन्म 5 जुलाई सन 1971, जिनके पिता स्वर्गीय प्रेमचंद जी गुरहा, जिनकी माता स्वर्गीय नर्मदा बाई, उन्होंने एमए हिंदी साहित्य से शिक्षा प्राप्त की है और 21 जून सन 2017 में गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे सतीश भैया जी और इनके जो गृहस्थ जीवन के जो भतीजे, जो आज इसी संघ में मुनि श्री निर्वाकुल सागर जी महाराज के नाम से यहाँ पर है मंचासीन, वे उनके चाचा हैं। अब वो आप गुरुदेव से निवेदन करेंगे। चरणों में जगह मांगी थी हमें अपना बना लिया, ते भटक रहे थे कब से मोक्ष मार्ग दिखा दिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। देवादि देव श्री चंदा प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज की, मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज की, मंच आशीन नगर गौरव मुनि श्री निराकुल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका माता, गुरुमती माता जी आदि समस्त आरिका माताओं की, नगर गौरव आरिका विनीतमती माता जी आदि समस्त माताओं की। हे गुरुजी, आपने मुझे स्वीकार कर जो उपकार किया है उन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, और आपने हमें स्वीकार कर जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी के पास भेजा, उन्होंने अनुशासन और वात्सल्य के साथ जो ज्ञान दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता, उसे हम शब्दों में कह नहीं सकते। मैंने गृहस्थ जीवन में समाज के नगरवासियों के साथ किसी भी प्रकार की गलती की हो तो सब मुझे क्षमा करें, सबको मैं क्षमा करता हूँ। हे गुरुवर, जन्म जरा मृत्यु से निकलने के लिए कर्म उन्मूलन हेतु हमें जैनेश्वर दीक्षा प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद क्रम आता है ब्रह्मचारी दीपक जी का,
जिनका जन्म संदलपुर खाते गांव में और उनका जन्म 4 नवंबर सन 1984 में, जिनके पिता का नाम श्रीमान अशोक जैन, माता का नाम श्रीमती फूल कुंवर बाई, जिन्होंने बीकॉम तक शिक्षा प्राप्त की है और सन 2015 में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, वे पूज्य गुरुदेव से दिगंबरी दीक्षा का निवेदन करेंगे। दीपक भैया, तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से घनघोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं तो गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं। बोलिए कुंडलपुर के श्री बड़े बाबा की, सिद्धोदय नेमावन विराजमान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणि प्रातः श्रोमणी आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य करुणा देव श्री गुरुदेव समय सागर जी महाराज की, पूज गुरुदेव श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज की, नगर गौरव श्री आगम सागर जी, दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूजनीय आचार्य भगवंत संघ की। आचार्य जी, आपके पावन पवित्र चरणों में कोटिशः बारंबार नमोस्तु। इस पतित जीवन को पावन आपने ही बनाया है गुरुदेव, बिना मांगे ही आपने सब कुछ दिया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा तो आपने ये की जो बड़े महाराज जी श्री समय सागर जी महाराज जी के चरणों में मुझे भेजा। मुझे नहीं पता था कि तत्वार सूत्र क्या है, द्रव्य संग्रह क्या है। महाराज जी ने इन सभी से मेरा परिचय कराया, खूब वात्सल्य दिया है और चारों महाराज जी ने हमें खूब संभाला है। उनके पावन चरणों में ही बारंबार नमोस्तु। मेरे परिवारजन सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं या नहीं हैं, सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ, सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। जगत के सभी प्राणियों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे भगवान, परमोपकारी आचार्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में यही प्रार्थना है कि मुझे सिद्ध साक्षी दिगंबरी दीक्षा प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और वस्तुतः मोक्ष मार्ग में रास्ता नहीं होता है, किंतु चरण चिन्ह होते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। और वह चरण चिन्ह उन्हीं को दिख सकते हैं जिनकी गुरुदेव पर निष्कंप आकंप और निश्चल आस्था हो, वही इस चरण चिन्ह को देख सकते हैं। और जिन्होंने देखा है ऐसे ब्रह्मचारियों को मैं बुलाता हूँ, ब्रह्मचारी मनीष भैया जो कि इंदौर निवासी है और जिनका जन्म 9 मई सन 1983 को हुआ था, जिनके पिता श्री विजय जी जैन, जिनकी माता श्रीमती किरण जी जैन, जिन्होंने एमकॉम और एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है और मई 2014 में आचार्य महाराज के चरणों में आजीवन व्रत ग्रहण किया है, वो आपके सामने गुरुदेव से निवेदन करेंगे। मनीष भैया जी, मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की,
चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, सिंह वृत्ति प्रणेता आचार्य समंत्र भद्र महाराज की, सिद्धांत प्रणेता आचार्य पूज्यपाद महाराज की, मोक्ष मार्ग प्रणेता आचार्य उमा स्वामी महाराज की, सभी पूर्वाचार्यों की, हम पे पूर्वाचार्यों का अनंत उपकार है। ये हमें बताया हमारे आचार्य महाराज ने, पूर्वाचार्यों ने इतनी महती अनुकंपा की हमारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थितियों में इस मोक्ष मार्ग को उन्होंने बनाए रखा, संभाले रखा, और आचार्य महाराज जैसे संत इस धरती पर आते रहे, और हम जैसे, हमारे विषय में क्या कहें, गुरु तो हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश, और मैं उनका गोबर गणेश, सही कह रहा हूं, इसको अन्यथा न ले। पूज्य बड़े महाराज जानते हैं कि मुझे क्या आता था, उसके पहले भी पूज्य मुनिषी निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी ब्रह्मचर्य अवस्था से जानते हैं मुझे क्या आता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में मुझे का खा पढ़ाया है। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, आनंद सागर जी जानते थे मुझे क्या आता था, क्योंकि मैं जब भी संघ में आता था उन्हीं के पास बैठा करता था। अब आपसे क्या कहूं, बहुत महती अनुकंपा रही पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी की, और छुल्लक धैर्य सागर जी महाराज की भी बहुत महती अनुकंपा रही। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, तीन दीक्षाएं मेरे सामने हो गई और मेरा नंबर नहीं आया, तब महाराज ने कहा तुम चिंता ना करो, दीक्षा नहीं हुई तुम्हारा मोक्ष मार्ग बना रहेगा, तुम आचार्य महाराज पे श्रद्धा मत तोड़ना बस। मैंने कहा ठीक है, तुम आचार्य महाराज पे श्रद्धा मत तोड़ना, ऐसा प्रमाण सागर जी ने कहा, और मैंने उनके चरणों में नमोस्तु किया। पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी और सहज सागर जी महाराज का भी मुझे बहुत संबल मिला। पुनीत सागर जी महाराज इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी सिंह वृत्ति के साथ अपनी चर्या का पालन करते हैं। जो लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है, सहनन नहीं है, वो आज गुरुदेव को आके देख ले, इस कर्कश देह में भी आज वो सिंह वृत्ति का पालन कर रहे हैं, और सिंह गर्जना कर रहे हैं। आज जब मेरे सुबह केस लॉन्च हो रहे थे, मैं कांप उठा था, जो लोग देख रहे थे उनको पता है मैं कांप उठा था केस लॉन्च के समय, जो महाराज कर रहे थे, पूज्य मुनि दुर्लभ सागर जी के हाथ कट गए फिर भी वो करते रहे, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी। लेकिन जब पूज्य मुनि बड़े महाराज श्री समय सागर जी ने सर पे हाथ रख के जब केस लॉन्च किए, मुझे दर्द का अनुभव भी नहीं हुआ। ये एक साधक की साधना का प्रभाव है। सोचिए आप, एक जीवंत समय सार पूज्य मुनि से समय सागर जी महाराज के पास हमें आचार्य महाराज ने भेजा, इतना बड़ा उपकार किया। और जैसा कि साथ के ब्रह्मचारी लोग जानते हैं, मेरी पहली बार इतनी आवाज निकल रही है गुरुदेव के सामने नहीं तो मैं आचार्य महाराज के पास जाता हूँ और बस बैठ जाता हूँ, और आचार्य महाराज कुछ ना कुछ कह देते हैं वो सुन लेता हूँ। जब पिछली बार एक पत्र लिखा मैंने 10 पन्ने का एक रात को, तो एक ब्रह्मचारी जी थे शेलू भैया, उन्होंने बोला भैया आचार्य महाराज इतना नहीं पढ़ेंगे, उसको छोटा करो। फिर रात को 2 बज गई उस पत्र को छोटा करने में, और पत्र हुआ 4 पन्ने का। उन्होंने कहा इतना भी गुरुजी के पास समय नहीं रहता, उसको और छोटा करो। पत्र को छोटा करने में रात के 5 बज गए और सुबह हो गई है ना, तो वो पत्र 1 पन्ने का हुआ, और गुरुजी के चरणों में रामटेक में वो पत्र रखा गया, और गुरुजी ने कहा मुख से कहो। पूरी रात बिता दी गुरुजी ने, मुख से कहो, तो मैं कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ इतना कहा कि आचार्य जी जब व्रत नहीं हुआ था तब बड़े भाई की शादी हुई थी,
लेकिन अब तो छोटे भाई की भी शादी हो गई और उसके भी बच्चा हो गया। अब मैं घर में कैसे रहूं, आप बताएं। तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है अभी थोड़ा बाहर जाओ, लेकिन मुझसे कुछ कहना नहीं हो पाया और आंसुओं से इतने अविरल आंसू निकले आपको बता नहीं सकता। और थोड़ी देर में आचार्य महाराज ने पूज्य बड़े महाराजों आदि से चर्चा करके मुझे पूज्य समय सागर जी महाराज के पास भेजा। आपको पता है जब हमने पहली बार चौका लगाया, चौका भी हमारे घर में पहले कभी नहीं लगता था, जब मैं पूज्य महाराज आचार्य महाराज के संपर्क में आया तब हमारे यहाँ चौका लगना चालू हुआ। उसके पहले हम शायद होगा सोनगढ़ी टाइप के थे। तो चौका वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता था। आचार्य पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज, जिनकी मुस्कान और प्रशस्तता सर्वत्र बिखरी रहती है, जो आज मंच का संचालन भी कर रहे, प्रथम प्रधान पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज का हमारे चौके में हुआ। और उस समय, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस समय पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जब हम संग में चौका लेके गए, रात्रि जागरण करके उनका टेम्परेचर लेना था, ऐसा कुछ काम था, तो वो योग काम के लिए पूज्य दुर्लभ सागर जी ने मुझे संकेत किया कि तुम कर लोगे, पूछा दो तीन बार, नए नए हो कर लोगे, बोला जी महाराज आप जैसा कहेंगे कर लेंगे। तो हमने भैया वृत्ति में प्रथम बार अगर संघ के किसी महाराज के पास बैठे इतने लंबे समय तक, तो वो पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज थे। और पूज्य मुनि श्री धीर सागर जी महाराज, जिनसे हमारी स्लेट पे बातें हुआ करती थी, घंटों बातें हुआ करती थी, जो कि इंदौर के नगर गौरव है, ऐसे समाधिस्थ मुनि श्री धीर सागर जी महाराज, उनकी भी बहुत मेहनती अनुकंपा रही। और पूज्य आनंद सागर जी महाराज के बारे में मैं क्या, पूरे युवा लोग जानते हैं, एक युवा तरुणाई प्रणेता, जन जन के युवाओं को तारक पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज। और मैं एक स्वयं भी काफी बड़े युवा संघ को संगठित करके चलता था इंदौर में, तो वो भी पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी की प्रेरणा से सब कुछ चलता रहता था। और क्या कहे, बस बहुत लंबा हो गया। चलिए पत्र छोटा करो, पत्र छोटा कर दे। पूज्य आरिका संघ आदर्श अनुशासन शिरोमणि आचार्य अनुशासन शिरोमणि आरिका माँ आदर्शमती माता जी की, आरिका माँ पूर्णमती माता जी की, आरिका संघ की, आरिका तपो माता तपोमती माता जी की, बहुत वाइब्रेशन मोड पे हूँ अंदर से मैं। निवेदन करो। हाँ। अच्छा, पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की, और कोई रे तो नहीं, अच्छा सभी से क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ और करबद्ध क्षमा करता हूँ। और आपको एक और चीज बता दूं, जो महाराज ने अभी शिक्षा बताई, वो शिक्षा कराने वाली मेरी माँ अनपढ़ है और मेरे पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और क्या कहूं मैं, बहुत उपकार है परिवार के मेरे ऊपर, मतलब उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। उनकी बहुत उम्मीदें थी कि बेटा पढ़ लिख के कुछ करेगा, लेकिन बच्चा तो कुछ और ही सोच बैठा था। तो अब आपको क्या बताऊं, मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। और परम पूज आचार्य गुरुवर से दीक्षा का निवेदन है कि इसको स्वीकार करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अब अगले क्रम में ब्रह्मचारी अर्पित जी रावत, जो कि राधोगढ़ गुना के रहने वाले हैं और वर्तमान में इंदौर में उनका प्रवास है। 2 दिसंबर सन 1990 को इनका जन्म हुआ। उनके पिता श्री अनिल जी रावत और उनकी माता श्रीमती मीना जी जैन, उन्होंने एमटेक तक की शिक्षा प्राप्त की है और 17 अगस्त सन 2017 को इन्होंने गुरुदेव के चरणों में आजीवन व्रत ग्रहण किया और वह अब पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे दीक्षा के लिए। और इंदौर में जो प्रथम चतुर्मास पूज्य बड़े महाराज समय सागर जी महाराज जी का हुआ था, उस चतुर्मास के बाद ही उनके जीवन में ये वैराग्य के बीच अंकुरित हुए हैं और अब वो यहाँ तक आकर पल्लवित हो गए और मुनि दीक्षा के रूप में धारण करेंगे। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, रामटेक के मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की,
राघोगढ़ के मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम उपकारी परम श्रद्धे पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम श्रद्धे पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, परम उपकारी पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी आनंद सागर जी महाराज की। बड़े भाइयों ने बहुत सुंदर उद्गार कर दिया है, हम छोटे हैं इसलिए छोटा उद्गार करेंगे। हे आचार्य गुरुदेव, सिद्ध साक्षी जनीश्वरी दीक्षा प्रदान कर कर हम दसी ब्रह्मचारियों को अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और इस प्रकार इन 10 ब्रह्मचारियों ने, गुरुदेव आपके चरणों में मेरा भी निवेदन है और सबका, सब मुनि संघ का निवेदन है कि ये 10 ब्रह्मचारी जी हैं और ऐसे कई ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बहने हैं जो आपकी कृपा दृष्टि के इंतजार में है। यदि आपकी कृपा उन पर हो जाए तो उनके जीवन में भी वैराग्य की फसल लहला उठेगी और भद्रभाव स्वामी सुत केवली का वो जमाना जब 24,000 साधु होते थे, आज भी आपकी कृपा से वो जमाना आज भी आ सकता है और ऐसे साधु हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि अब इन सब ब्रह्मचारियों को जैनेश्वरी दीक्षा देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, सबसे पहले क्रम में आज गुरुदेव का, इन ब्रह्मचारी भाइयों का भाव है कि गुरुदेव के पिछिका परिवर्तन का सौभाग्य हमें मिले, तो सभी दीक्षार्थी भाई गुरुदेव को नई पिछिका प्रदान करके उनका पिछिका परिवर्तन समारोह कर रहे हैं सभी ब्रह्मचारी भाई एक साथ। जल्दी करो, आराम से आराम से। पुरानी हाँ ले जाओ। तो इधर परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से इस बार पिछी का परिवर्तन हुआ, उस समय इनको संभालने वाले, हम तो कहते हैं अभी इस समय भारतवर्ष में यदि कोई सबसे बड़े मुनि महाराज हैं तो प्रथम मुनि श्री समय सागर जी महाराज हैं और उनकी पिछी का परिवर्तन भी गुरुदेव के कर कमलों से हो ऐसी प्रार्थना की गई, तो मुनि संघ का भी पिछी परिवर्तन होने जा रहा है। परम पूज्य समय सागर जी महाराज, दूसरे क्रम में परम पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज, हो गया, परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज, और अब आगे की दीक्षा विधि के लिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस अद्भुत दृश्य को प्रारंभ करने की कृपा करें परम पूज्य गुरुदेव। यह अवसर आप लोगों को लगातार घंटों से प्राप्त हो रहा है क्योंकि बिंब की स्थापना की अपेक्षा से दीक्षा महोत्सव हो गया, फिर बाद में क्योंकि आजकल तो छोटे दिन हैं, अब हम संक्षेप करें तो कैसे करें वो थोड़ा सा कठिनाई है, फिर भी आप लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इस विधि के अनुसार भूमिका के रूप में सभी ब्रह्मचारियों ने इसके आपके सामने रखा है, हम सीधा ही कोई भूमिका बनाए कि शांति मंत्र के साथ, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के संक्षेप भी है और विस्तार भी है, इन दोनों में से कोई पगडंडी मिलती है मैं भी देख रहा हूँ और वह पूरा पूरा काम कर जाएगा। अच्छा सी बोलेंगे ना,
कौन सा संस्कार है भैया, बोलो ना पहले। अब पूज्य गुरुदेव के द्वारा ब्रह्मचारी जो दीक्षार्थी बहाई हैं, उनके सर पर, मस्तक पर शुद्ध गुरुदेव भगवान का जो गंधोदक है उसका सिंचन किया जा रहा है, ताकि इनके मस्तक से जो इनके मस्तिष्क में जो राग और द्वेष की जो तरंगे उठती है वो समाप्त हो सके। इस प्रकार पवित्र और शीतल गंधोदक का वहाँ सिंचन किया जा रहा है गुरुदेव के द्वारा। यह दीक्षा विधि प्रारंभ हो चुकी है और धीरे धीरे अब इन ब्रह्मचारियों के जीवन में वह श्रमण पना उतरता चला जाएगा। यह शांति मंत्र संस्कार जो आपके सामने हो रहा है गंधोदक के सिंचन के माध्यम से, आप देखते क्या कर रहे थे, देखो ना। अब उस सिंचन के बाद पूज्य गुरुदेव हाथ के स्पर्श से उन ब्रह्मचारियों के मस्तक पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और इस भावना के साथ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना आए और निर्बाध गति से आपका मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय पालन होता चला जाए, इस भावना के साथ। और यह आचार्य महाराज के द्वारा 14वीं बार मुनि दीक्षा दी जा रही है। 14 गुणस्थान पार करने की यह संकेत है कि 14 गुणस्थान पार करके सिद्धत को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार 14वीं बार यह मुनि दीक्षा दी जा रही है। क्या कौन सा संस्कार कर रहे हैं? और यह पंचमुष्टि केसलों नहीं, क्या क्या है? सर्वप्रथम आचार्य महाराज के द्वारा द्रोणागिर में एक मुनि दीक्षा दी गई है, जो पूज्य मुनि समय सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी, और केवल एक ही दीक्षा हुई थी, वहीं से मुनि दीक्षा देने का क्रम प्रारंभ हुआ था। उसके बाद सागर में 2 दीक्षा हुई, फिर नैनागिर में 2 बार, 1 बार 2 और 1 बार 3 दीक्षा हुई, फिर इसरी बोलना था, अब बोलते हैं। अब हो गए। अब इसके बाद ये पंचमुष्टि केसलोज आचार्य महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं, और ये पंचमुष्टि केसलोज इसलिए हैं कि इनका शरीर से कितना वैराग्य हुआ है। और हमने देखा सुबह से ये ब्रह्मचारी लोग इस प्रकार अपने निर्दयता से बाल खींचे जा रहे थे, सिर पे खून के धब्बे निकल आए और मूछ डाढ़ी केसलोज करते भी खून की धारा बह रही थी, लेकिन उत्साह चरम सीमा पर था और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। यह है शरीर से वैराग्य का पाठ। केवल केस नहीं उखाड़ रहे थे, अपने शरीर से यह राग को ही उखाड़ कर फेंक दे रहे थे। इस प्रकार यह पंचमुष्टि केसलो संस्कार पूज्य आचार्य महाराज के द्वारा दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब इनके जीवन में शरीर का राग नहीं रहेगा, यह इसका संकेत है।
और इस प्रकार इसरी में 1983 में 5 दीक्षा दी, फिर सोनागिरी में 8 दीक्षा, फिर नेवार में 10 दीक्षा। अब उस 10 दीक्षा के बाद यहाँ पर दूसरी बार 10 दीक्षा का क्रम आया है कि ललितपुर में 10 दीक्षा दी जा रही है, मुक्तागिरी में 9 दीक्षा हुई, उसके बाद नेवावर में 23 दीक्षा, और अभी तक की आचार्य महाराज के द्वारा सबसे ज्यादा संख्या में जो दीक्षा दी है वह सौभाग्य तिलवारा घाट और वर्तमान में प्रतिभा स्थली जबलपुर को मिला है, जहां 25 दीक्षाएं हुई थी, और उसके बाद रामटेक अतिशय क्षेत्र में 24 दीक्षा, फिर विदिशा में 4 दीक्षा और बीना बारा में 3 दीक्षा, उसके बाद प्रथम बार उत्तर प्रदेश में वो भी ललितपुर में 10 दीक्षाएं दी जा रही है आपके सामने। इस प्रकार आराचार्य महाराज ने 14 बार में कुल 130 दीक्षाएं दे दी है। यह वर्तमान में सबसे अधिक पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में यह सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ा संघ है। इस प्रकार पंचमुष्टि केसलोज आपके सामने किए जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, और इसके बाद जो संस्कार आएगा वो आपके सामने होगा। बोलो ना, हमको दियो तो हम क्या कहेंगे। इस प्रकार अब अंतरिम ब्रह्मचारी के सिर पर पंचमुष्टि केसलोच के संस्कार हो रहे हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अब अगला संस्कार जो किया जा रहा है पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, इस युग के भगवान के माध्यम से, शांति से सब व्यक्ति एक कायसर करें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी एक कायसर करें इस भावना के साथ कि जिस प्रकार इनको यह दिगंबरी दीक्षा मिली है, भगवान हमारे जीवन में भी ऐसा महत्वपूर्ण क्षण आए कि हम इस संसार को त्याग करके मोक्ष मार्ग पे चले जाएं। अब केसलोच के बाद सिर का प्रक्षालन पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ब्रह्मचारियों के सिर पर हो रहा है, और उस प्रक्षालन के बाद और केवल ये ब्रह्मचारी लोग ही संयम को प्राप्त कर रहे हैं ऐसा नहीं, आप लोग भी जो इतनी देर से चुपचाप एक स्थान पर बैठकर देख रहे हैं तो आपने भी मानो संयम ग्रहण कर लिया है, और यह असंख्यात कुणी कर्म निद्रा का साधन है। बोलो पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।
ये दीक्षार्थी ये नहीं चाहते कि बहुत भीड़ हमारी दीक्षा देखने आए, और ये दीक्षार्थी ये नहीं चाहते हैं कि को बहुत भीड़ हमारी दीक्षा देखने आए। दीक्षा तो एकांत में भी, वनों में जाकर भी, जंगल में भी हो सकती है, लेकिन इस दीक्षा को आप देखने आए हैं ताकि इनके जीवन में, इनके मुख पर जो आज वैराग्य के भाव है उसे देखकर हम भी अपना हृदय परिवर्तन कर सके। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव अब इसके बाद कौन सा कर रहे पर देख तो लो, अब इसके बाद कौन सा संस्कार होता आप देखिए। पूरे पूरे वस्त्राभरण जो कोई भी उपकरण है आप लोग पहने हुए उन सब का त्याग करना है आप लोगों को खड़े हो करके। और ये देखिए आप दृश्य किस प्रकार यह ब्रह्मचारी अपने सारे आभूषण और वस्त्र का त्याग करके, सभी लोग बैठे रहिए एक स्थान पर, बहुत अच्छा दृश्य दिखेगा आपको। और देखिए ये रूप आपके सामने है, पूज्य गुरुदेव हर बार जब कपड़ों का त्याग करके ब्रह्मचारी लोग नग्न अवस्था में खड़े होते हैं, तिलक तिलक भी निकालिए आप लोग। आप लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, ब्रह्मचारी जी लोग, सभी दीक्षार्थी भैया आप बैठ जाइए। देखिए क्या रूप है, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय, ये पंक्ति आप उद्गार बोलिए। अब इसके बाद पूज्य गुरुदेव उनके मस्तक पर स्वस्तिक श्रीकार का संस्कार कर रहे हैं कि इनके जीवन में श्री अर्थात ज्ञान रूपी लक्ष्मी इनके जीवन में भरपूर रहे और वह धीरे धीरे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करा दे। इस प्रकार श्री संस्कार किया जा रहा है। जय बोलना, जय बोलना। हाँ जो लौटेंगे ना, और इस प्रकार अंतिम ब्रह्मचारी पर श्रीकार का जो संस्कार हुआ, सर्वाधिक शिक्षा प्रदाता संयम प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महा मुनिराज की। नहीं नहीं अब बात में सब लोग शांति रखेंगे, 108 बार जाप देना है, मैं दे रहा हूँ और आप लोग सुनेंगे शांति से बैठ करके। हेलो, सभी लोग हाथ जोड़ लें, कोई भी बोलेगा नहीं, सब मौन ले लें। दीक्षा संस्कार का मंत्र है, विशेष मंत्र है, ओम ह्रीम अरम अस्या उषा ह्रीम स्वाहा, 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 ओम ह्रीम अरम अस्या उषा ह्रीम स्वाहा,
ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम वरम अस्यावसा ह्रीम स्वाहा। अब इसके उपरांत ये लोग अंजलि बांध ले और अपने सामने जैसे भिक्षा के समय पर महाराज अंजलि बांधते उस प्रकार थोड़े से कुआं जैसा टाइप बना दो ताकि श्रीफल और अर्घ आदि इसमें पूर्ण